कल का जो वाकया है ना, उस पर शायद अफरीदी ने पता क्या बोला है? उन्होंने कहा घटिया काम है, उन्होंने कहा घटिया काम है कल का जो वाकया हुआ है। लेकिन पिछले 24 घंटे जो हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसमेंट है। मतलब कहते हैं ना, शर्मसार होना, ये वो पिछले 24 घंटे आए हैं। मैं पहले हाहाकार का इस्तेमाल करता था लफ्ज, मैंने हाहाकार नहीं, भूचाल आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ही कहूंगा, जाका अशरफ साहब, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा है जी, मेरी गद्दी मेरी कुर्सी, भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूं, प्लेयरों को दे दूं, या किसी को भी दे दूं। टीम उनकी एशिया कप हारी, वर्ल्ड कप आई, दो मैच जीती। इंडिया वाला मैच जो उनका तीसरा ही मैच था, वहां से शुरू हो गया वो कोरस, हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम। फिर वो बेचारे एक और मैच हारे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी हम ये देखेंगे वो देखेंगे, बाद में चेंजेस भी सोच सकते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपना पूरा एजेंडा सेट किया। उन्होंने यहाँ तक कहा जी ये लीजिए, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा था कि राशिद लतीफ ने बोला था कि जी बाबर आजम फ़ोन कर रहे हैं और जाकर अशरफ उठा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी देखो जी, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, और ये स्क्रीनशॉट आप लेके आप अपने चैनल पे चला दें। हालांकि वो किसी और का बाबर से चैट था, वो चलो हो गया। COO है पीसीबी के, मतलब बाबर आजम से बिना पूछे उनके, आई थिंक बिना इजाजत के। या ये भी हो सकता है कि बाबर को ये कहा गया हो कि आपको ये फलां मैसेज आएगा और आपको जवाब देना है, वो हो गया। का क्या होता है सवाल जवाब उनसे फिर अभी? नहीं तो बाबर से तो आज सवाल होना चाहिए था ना, अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या रहा, मैंने आज फॉलो करी। हम एक तरफ की कहानी सुनते हैं क्योंकि कभी कभी दूसरी तरफ की एक्सेस हमें मिलती नहीं, ठीक है ना। अब अगर जर्नलिस्ट को बाबर आजम की एक्सेस नहीं है तो वो तो वही सुनेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा। तो वहां पे उन्होंने साफ कर दिया है कि जी हार गए कोई परवाह नहीं, ये हार हुई है इंजमाम के कारण, बाबर के कारण, बार बार वो बोलते हैं। और नजम सेठी, हाँ, जो पिछली टेन्योर जी, तो अब इंजमाम को मैं देख रहा था, 7 अगस्त को सिलेक्टर बने हैं और 30 अगस्त को तो एशिया कप शुरू हो गया, तो वो कौन सी टीम में बदलाव कर सकते थे? वो तो भाई जब आप आए हो तो आपकी जो कप्तान और कोच मांगेंगे आपको तो वही टीम देनी पड़ेगी। हाँ। और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा, मतलब 40 प्लेयर बाहर बैठे थे जो वर्ल्ड कप की टीम में चुने नहीं गए। वो एक और खबर चली रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इंजमाम जो कि 7 अगस्त को इसी साल चीफ सेलेक्टर बनाए गए थे, तो उन पे इल्जाम ये था कि एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें उनका 25% स्टेक है, मोहम्मद रिजवान का भी है, और 6-7 प्लेयर उन्होंने साइन किए हुए थे उसी कंपनी ने। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, आप चीफ सेलेक्टर हैं तो भाई वो प्लेयर आपकी कंपनी से साइंड है तो जी आप उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये एक एलिगेशन था। आज इंजमाम को बुलाया जाकर अशरफ साहब ने, इंजमाम को बोला कि जी हम 5 बंदों की कमेटी बना रहे हैं। इंजमाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं। बट अभी जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो ये है कि इंजमाम ने ये कहा है कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो सस्पेंडेड रेजिग्नेशन है, ओके, ये परमानेंट नहीं है तब तक के लिए, मतलब मेरा रेजिग्नेशन है जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन है, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मैं कसूरवार नहीं हुआ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर ये भी कि जाकर अशरफ साहब भी मेरे कल 1 हफ्ते के मेहमान है, 5 तारीख को उनका फैसला है जी। कहीं अगर गलती से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, अब सर वो तो वो इतने मैं कहता हूं चलो इतने बोल तभी हो रहे क्योंकि उन्हें पूरा पता है। मेरा तो ये मानना है वहां पे, मैं जो देखता हूं भाई कुछ मीडिया, मतलब ये जो वो तो ऐसा लगता है कि दे डोंट वांट कि पाकिस्तान वहां पे सेमीफाइनल में जाए, वो खुश होते हैं उस दिन जिस दिन उनकी टीम हारती है। तो अगर गलती से कहीं पहुंच गए तो फिर क्या होगा इन सब का हाल? सर लेकिन ये सिनेरियो आजकल चल रहा है कि मैं आज भी देख रहा था कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो पाकिस्तान 3 मैच जीत जाए, बांग्लादेश अफगानिस्तान और एक टीम मिलके ऑस्ट्रेलिया को हरा दे 3 मैच में, और फिर ऐसे करते 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 न्यूजीलैंड भी हार जाए। लेकिन मुझे ये चीज पूछनी थी कि पाकिस्तान ही, मतलब जो दुआएं हैं वो उधर से ही आ रही हैं क्या, बाकी ऑस्ट्रेलिया में पीसीबी वर्सेस प्लेयर्स, उसको लेकर सर बात ये निकल कर आई है कि जो मुद्दा जहां से बहुत बड़ा बना उसकी एक वजह रही थी कि जो हम देखते भी आजकल और अब धीरे धीरे क्रिकेट में भी उसकी एंट्री हो ही चुकी है, वो है कहीं ना कहीं जो बैटिंग एप्स एक तरीके से रहती हैं उनके हम देखते हैं भाई स्पॉन्सर्स बकायदा अच्छी अच्छी टीम्स के आप देखोगे कि भाई बैक पर शोल्डर्स पर कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, तो कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स को उससे भी रिजर्वेशन थी। बट आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हो चुके होंगे, पैसा कुछ एक जिसे आप कहते हैं कि टोकन मनी टाइप कुछ रख लिया गया होगा, तो उसके बाद अब वो क्या करें, तो उसका भी प्रेशर था जिसके चलते भी ये तनाव बढ़ा। इसमें सर वही चीज है ना, जैसे हम कहते हैं कुछ कुछ चीजें, अब ये कोई फैन करता
कोई एक्स वाई जेड करता कुछ फर्क नहीं पड़ता, द मोमेंट आपका क्रिकेट बोर्ड और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यहां पर करते हैं, तो आप पहले उसको इंडिविजुअल को देखते हो, देन आप पीसीबी देखते हो, देन आप पाकिस्तान एज अ नेशन भी देखते हो, तो ये आप एक तरीके से अपने देश के लिए एक एम्बेरसमेंट वाला काम कर रहे हो, क्योंकि देखो जब बात ट्रेवल करेगी ग्लोबल मीडिया में, जैसे हम अपने लिए भी कह रहे थे कभी कभी कि जो यार हम शायद वर्ल्ड कप की होस्टिंग को लेकर बात कर रहे थे और उसमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंट पर कुछ दिक्कतें थी, तो आप एज अ नेशन भी वहां पर आते हो, तो वो सेम चीज वो कर रहे हैं कि भाई ठीक है क्रिकेट फ्रंट पर तो आपका हो ही रहा है कि जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसकी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, बातें हो रही है, बट एज अ नेशन भी आप उतनी ही एम्बेरसमेंट बुला रहे हो जिसकी शायद इस वक्त पर जरूरत नहीं थी, जो उनकी प्रेस रिलीजेज आई हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, जो उनके इस वक्त इंटरव्यूज आ रहे हैं, उसकी कोई जरूरत है नहीं जो आप कर रहे हो बखेड़ा। इसमें एक चीज और है ना जो चल रहा है इस समय की सैलरी वाला इश्यू कि भाई आप 5 महीने की सैलरी जो है देखो वो उधर से लीक हुआ है, वो प्लेयरों की तरफ से हुआ है कि जी इनको 5 महीने की सैलरी नहीं मिली, वो भी गलत है। मैं इसीलिए सर इस मुद्दे पर आ रहा था कि क्योंकि तो आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ही अभी साइन नहीं हुआ है, वही कह रहा हूं कि जो सैलरी वाला इश्यूज आ रहा है तो भाई पीसीबी अपनी साइड से साफ होना चाहता है और प्लेयर शायद इस समय पर अपनी साइड से क्लियर करना चाहते हैं कि जी दोनों तरफ में हर कोई अपने आप को बचा रहा है, लेकिन मेरा ये मुद्दा है कि भाई वर्ल्ड कप के बीचों बीच जब आपकी टीम यहां पर इंडिया में है, ये तकरीबन 1 महीने से चल रहा है, कभी कह देते हैं भाई आप दुश्मन मुल्क में गए हो, फिर आपके 2-3 मैच कप्तान खेलते हैं, उसके बाद से बयानबाजी आने जा रही है, तो क्या आप खुद ही चाहते हो कि आपकी टीम खराब करे? क्रिकेटर्स पर भी बात आती है और चाहे जो मर्जी चल रहा है, अगेन एक रिपोर्ट के तहत ये भी आएगा कि एक सीनियर क्रिकेटर ने ये कहा है कि पीसीबी तो चाहता ही है कि हम वर्ल्ड कप हारें ताकि उनको आसानी रहे हमें हटाने के लिए और हम अपने तरीके से चीजें करें। चाह रहे हो कि टीम खराब करे सर, बल्कि मैं कहता हूं इनकी बहादुरी थी जी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, क्योंकि एक प्लेयर्स का बैकलॉग वो चलता आ रहा था, अच्छे प्लेयर थे, अब उसके बाद जब एक वैक्यूम आ जाता है, और बुरा मानने वाली बात नहीं है बट वो कभी कभी क्या होता है ना, आपकी क्रिकेट जो है वो कंट्री की भी रिफ्लेक्शन होती है, तो जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप देख रहे हो मजाक का पात्र बना हुआ है, हर मतलब शुक्रवार कोई होता है, शनिवार कोई होता है, वहां पर बोर्ड बदलता है, हमारे यहां पर भी बोर्ड बदले हैं, मतलब प्रेसिडेंट बदलते हैं, सेक्रेटरी बदलते हैं, बट आपकी ऐसा नहीं होता कि उसने उस कोच को हटा दिया, उसने उस कप्तान को हटा दिया, एंड बाय द वे मतलब ऑफिशियली बोर्ड के जो भले वो प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, उनका तो सिलेक्शन में मतलब ऑफिशियली कोई रोल ही नहीं है, वो ये कह ही नहीं सकते कि जी हम कप्तान बदलने पर विचार करेंगे, वो दैट हैज टू बी डन बाय द सिलेक्टर, बाय द चीफ सिलेक्टर। अब ठीक है इंजमाम ने तो आई थिंक अच्छा किया आज, हालांकि ठीक है उनकी गलती थी, अगर उनका स्टेक किसी कंपनी में है और प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है, फिर आप जब चेयरमैन बन रहे थे तो आपको ये बताना चाहिए था बोर्ड को, बट एज अ चीफ सेलेक्टर ये मुनासिब नहीं है। हाँ, ये मुनासिब नहीं है, तो ये इसमें वही हम कह रहे हैं कि हर एक मतलब फ्रंट पर ही आपको चीजें गलत नजर आ रही है, मतलब आज ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि प्लेयर सही हैं और पीसीबी गलत है, नहीं बोल सकते कि भाई पीसीबी सही है प्लेयर्स गलत हैं, बट जिस तरीका दोनों गलत है, मैं कह रहा हूं कि प्लेयर्स का फिर वो तरीका भी गलत है जहां पर उनका अगर अलग ही मेथड चल रहा है, अगर ये हमें भी साठ गांठ बनाकर हम ऐसा करेंगे कि भाई हम सिस्टम को ही ढेर कर देंगे, और देखो इसलिए उनकी शायद चल भी रही थी और इसलिए उन पर दबाव आया क्योंकि वो कागज चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।